दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उसी बीच राज्य के कई मुद्दों को लेकर सामाजिक संगठनाएं सक्रिय हो चुकी हैं। उसी श्रृंखला में हलवा हलवी समाज की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिम कृति समिति द्वारा नागपुर स्थित गोलीबार चौक में आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल आदिम कृति समिति का कहना है कि हलवा समाज के पुराने अभिलेख में कोष्ठी व्यवसाय के पंजीकरण के मद्देनजर उनकी जाति वैधता कोष्ठी जाति के नाम पर बनाई जा रही है, जिससे कि वह अनुसूचित जमाती कोटा से वंचित हो गए हैं, जो कि असल में हलवा समाज आदिवासी जमाती में आता है। लेकिन व्यवसायिक पंजीकरण को जाति का नाम देकर उन्हें उनके अधिकारों से दूर किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द केंद्रीय कानून क्रमांक 108/1976 के तहत विचार कर अनुसूचित जमाति का दिया जाए। साथ ही साथ महाराष्ट्र के सभी जातियों की जातीय जनगणना हो आदि मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिम कृति समिति द्वारा नागपुर स्थित गोलीबार चौक में आंदोलन किया जा रहा है। दर्शकों, आगामी 7 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, जिसके चलते राज्य के कई मुद्दों को तूफान आ चुका है। उसी श्रृंखला में आज इस वक्त हम मौजूद है गोलीबार चौक में, जहाँ की राष्ट्रीय आदिम कृति समिति द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समिति के संयोजक विश्वनाथ आशीष, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्या है मुद्दा, आखिर किस मुद्दे को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आदिम कृति समिति के तरफ से यह आंदोलन उनकी प्रमुख मांगों के लिए होने जा रहा है, जिसमें ये श्रृंखलाबद्ध अनशन 10 दिसंबर तक के चलेगा, और उसके बाद में 17 दिसंबर को समाज परिषद और 18 दिसंबर को एक भव्य मोर्चा यहाँ पर निकलने जा रहा है। ये 40 साल से, जब तक हम मध्य प्रदेश में थे उस समय तक के इस समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में आए, हमारे साथ में छल कपट के द्वारा हमें हमारे घटना दत्त सुविधा से हमें वंचित करने का षड्यंत्र रचा गया। हम हलवा हलवी है, बस्तर से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ माइग्रेट होकर यहाँ बसे हुए हैं। हमने बुनकरी का धंधा करने के वजह से, कहीं बुनकरी के धंधे को कोष्ठी बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में, और इसीलिए ये कोष्ठी का कहीं कहीं उल्लेख हुआ है, उसके वजह से हमें हमारे घटना दत्त सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। अभी अभी डॉक्टर परसराम नंदनकर इनके केस में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया हुआ है कि यह कोष्ठी हमारा धंधा है, और उसी धंधे की यहाँ पर एंट्री हुई है। हमारी सही जात हमारे डॉक्यूमेंट्स में अभी के ज़माने में जो लिखी हुई जात है हलवा हलवी, इसी के हम और हम हमें घटना ने 342 कलम के अनुसार जो यादी बनाई है माननीय राष्ट्रपति ने, उसमें 1900 नंबर पर हलवा हलवी अभी भी कायम है, और इसी घटना दत्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमने महाराष्ट्र शासन से विनंती की है कि वो हमारे इस अमेंडमेंट के लिए कोष्ठी सनानिमस हलवा हलवी के घटना दत्त घटना में दुरुस्ती के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा केंद्र शासन को सिफारिश की जाए। इतने से सिफारिश के लिए 5 वर्ष फडणवीस साहब खुद मुख्यमंत्री थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई निर्णय लिया नहीं है, और इसी निर्णय को लेने के लिए हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। मी ॲडव्होकेट नंदा पराते, राष्ट्रीय आदिम कृती समितीमध्ये कोर कमिटीमध्ये सदस्य आहे, आणि राष्ट्रीय आदिम कृती समितीच्या माध्यमाने 17 परिषद आहे आणि 18 विधानसभेवर भव्य मोर्चा आहे। त्या मोर्चाच्या अनुषंगाने आम्ही विदर्भामध्ये जिथे जिथे हलवा समाज आहे त्या गावाला आम्ही भेट देऊन राहिलो आहोत, आणि मोठ्या संख्येने आम्हाला प्रतिसाद मिळून राहिलेला आहे। आणि 18 तारखेला नागपूरमध्ये लाखोच्या संख्येने हलवा समाज इथे उपस्थित होणार आहे। हा मोर्चा जो आहे हा गोळीबार चौकातून विधानसभेवर निघणार आहे 18 तारखेला। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपूर।